या गुड इवनिंग एंड वेलकम टू केमिस्ट्री क्लासेस बाय प्रकाश। देखिए हम लोग लास्ट डे एंजाइम के बारे में और कुछ उत्प्रेरकीय पदों के बारे में पढ़े थे। आज हम सब इस चैप्टर के आखिरी टॉपिक की ओर मूव कर रहे हैं। आखिरी टॉपिक का नाम सुनते ही बहुत सारे लोग वाह बोले। कितने लोग तो आश्चर्य में कि यार इतना जल्दी ये चैप्टर खत्म कैसे हो सकता है। अरे मेरे भाई ये आखिरी टॉपिक है, ये मैंने नहीं बोला कि ये आखिरी क्लास है, क्योंकि यह जो टॉपिक है बाबू यदि पढ़ाया जाए तो आराम से 10 दिन खींच सकता है। पढ़ाया जाए तो वीडियो में उतना आप लोग समझदार हैं, समझ सकते हैं। जैसे वीडियो में चल रहा वैसे ही पढ़ाई होगा। तो ये है कोलाइडी बिलियन। अब बाबू कोलाइडी बिलियन के बारे में हम सब पढ़ेंगे इसमें, तो सबसे पहले हम लोग को मिश्रण के बारे में स्टडी करना होगा कि मिश्रण क्या है, मिश्रण कितने प्रकार का होता है। तब इसमें से निकल करके आएगा कोलाइडी बिलियन। फिर कोलाइडी बिलियन क्या है, कोलाइडी बिलियन के गुण क्या है, उसके बाद कोलाइडी बिलियन के घटक क्या है, इन घटकों के आधार पर कोलाइडी बिलियन कितने प्रकार के होते हैं, कोलाइडी बिलियन के जब प्रकार का स्टडी कर लेंगे तो कोलाइडी बिलियन का निर्माण कैसे होता है, इन सभी पॉइंटों का स्टडी करना होगा। ध्यान रखिए कोलाइडी बिलियन का गुण जो टॉपिक है वहीं पे हम लोगों को मिलेगा पेप्टीकरण, स्कंदन, टिंडल प्रभाव, ब्राउनियन गति, वैद्युत कण संचालन, बहुत सारे पॉइंट हम लोग को मिलने वाले एट लास्ट। और अंत में मिलेगा हम लोग को स्वर्ण संख्या के बारे में, राक्षी कोलाइड के बारे में, राक्षी शक्ति के बारे में, बहुत सारा पॉइंट अच्छा अच्छा मिलने वाला है इसमें, काफी डीपली पढ़ेंगे। तो हम लोग क्या करते हैं कि अब इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। भले ही करने के लिए टॉपिक आखिरी है लेकिन इस टॉपिक के अंदर बहुत सारे सब टॉपिक्स आ जाते हैं। आइए तो सो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, मिश्रण के बारे में जानेंगे। ध्यान दीजिएगा लोग, ए विद्यार्थी आज आप लोगों को भी खुद से लिखना पड़ेगा, याद रखेंगे जैसे ये वीडियो वाले लिखते हैं, चूंकि आसान टॉपिक है। ध्यान से सुनिए, घर पे जाके आज का लिखिए आप सब। देखिए यह जो मिश्रण है मिक्सचर, इसलिए विद्यार्थी ध्यान से सुनिएगा तो आराम से लिख पाएंगे। मिश्रण यानी मिक्सचर क्या होता है, ध्यान दे रहा। तो आप बोलोगे कि सर दो या दो से अधिक पदार्थों को जब किसी भी अनुपात में, किसी भी अनुपात में मिलाया जाता है तो जो नया पदार्थ बनता है उसे ही क्या कहा जाता है। बस हो गया, दो या दो से अधिक पदार्थों को किसी भी अनुपात में मिलाने से प्राप्त नया पदार्थ क्या कहलाता है, मिश्रण कहलाता है। ठीक है विद्यार्थी, मिश्रण कहलाता है। जनरली लोगों के मन में मिश्रण को ही बिलियन कहने का प्रथा चलते रहता है, सब बोलते रहता है बिलियन 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 मिश्रण को ही, जबकि मैंने आपको बताया था कि केवल समांगी मिश्रण को ही क्या कहा जाता है। इस बिलियन को वर्गीकृत करने का प्रयास ग्राहम नामक वैज्ञानिक द्वारा किया गया। ये ग्राहम नामक वैज्ञानिक ने क्या किया, तो एक पार्चमेंट झिल्ली ले लिया। इस पार्चमेंट झिल्ली से बिलियन के कणों को आर पार कराया। तो विद्यार्थी इस झिल्ली में बहुत सारे छिद्र हैं, कोई भी झिल्ली होगा तो होगा कि नहीं। इस पार्चमेंट झिल्ली के छिद्रों से जिस बिलियन के कण आर पार कर गए उसे इन्होंने कोलाइड बोला, जो आर पार नहीं कर पाए उसे इन्होंने
क्रिस्टल आप बोला और इस प्रकार से बिलियन को बांटने का प्रयास किया। बाद में पाया गया कि एक ही पदार्थ कभी पर्चमेंट झिल्ली से पार कर जाता है और वही किसी अन्य विलायक में पार नहीं कर पाता है, यानी एक ही पदार्थ कोलाइड का भी काम कर रहा। इस कारण से इनका जो ये कॉन्सेप्ट था ये अमान्य कर दिया गया, ये हमारे काम का ना है। तो विद्यार्थी अगला पॉइंट क्या आया, तो जो मिश्रण है मिश्रण उनको जनरली बिलियन बुलाया। पहले की बात है तो पहले बिलियन ऐसे कह के निकल जाते थे हम सब। तो भाई लो यह जो बिलियन है इनके कणों के आकार को देखा गया और इन कणों के आकार के आधार पर बिलियन को तीन प्रकार से बांटा गया। सबसे पहला वास्तविक बिलियन, दूसरा निलंबन और तीसरा कोलाइडी बिलियन। ध्यान रखिएगा, वैसे आप लोग को पता है कि बबुआ मिश्रण जो है दो तरह का होता है, समांगी मिश्रण और विसमांगी मिश्रण। बाबू यह वास्तविक बिलियन है और ये निलंबन और कोलाइडर विसमांगी मिश्रण। ध्यान दीजिएगा, हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे कि वास्तविक बिलियन जिनके कणों का आकार बहुत, तो वो कौन है जिनके कणों का आकार बहुत क्या है, बहुत ना कहिए नहीं तो सोचेंगे आप लोग कि आदमियों से बड़ा बिलियन है तो मर्दे। बड़ा कहने का मतलब जो आपके नग नाखों से दिखाई कब वो, और कोलाइडी बिलियन के कणों का आकार वास्तविक बिलियन से थोड़ा सा बड़ा और निलंबन के कणों से छोटा। बस समझ आ गया, इन दोनों के रेंज में आता हो या इन दोनों के मध्य में आता हो तो ये कौन है। बुआ हमें इसी टॉपिक को पढ़ना है लेकिन कहीं हमें वास्तविक बिलियन निलंबन और कोलाइडल के मध्य अंतर लिखना पड़ जाए तो हम क्या करेंगे भाई। तो क्यों ना हम लोग 5-7 मिनट टाइम दे करके इसको देखिए ले और उसके बाद विद्यार्थी हम लोग अपने निलंबन पे पूरी क्लास को देंगे, सॉरी कोलाइडल कोलाइडी बिलियन पे पूरे क्लास को देंगे। ओके लेट्स सी। ओके देखिए सबसे बड़ा बात, ये जो कोलाइडी बिलियन है इनके जो कण है इनके कणों का आकार 1 नैनोमीटर से बबनी देखता वीडियो में वर्ड दिखाई देता कि ना देता। ओके 1 नैनोमीटर से बड़ा और 100 नैनोमीटर से छोटा हो, यानी कि यदि कणों का आकार इसके मध्य में हो इस रेंज में हो तो विद्यार्थी ये हम लोग क्या बोलेंगे कि कौन से बिलियन है। 1 नैनोमीटर को विद्यार्थी आप कहोगे कि सर हम लोग इसको 10 एंगस्ट्रम और इसको 1000 एंगस्ट्रम बोल सकते हैं। कुछ विद्यार्थी को बात समझ में आ रही होगी, सर 10 एंगस्ट्रम को हम 10^-9 मीटर लिख सकते हैं और इसको विद्यार्थी हम लोग 10^-7 बोलिए 1000 लिखे हैं हम तो 10^-7 नहीं होगा बाबू, -7 मीटर होगा ना। तो विद्यार्थी यहाँ से यहाँ तक के मध्य में क्या होता है जी, कहीं कहीं 6 भी लिखा रहे तो कोई दिक्कत ना है, रेंज है एक बाबू। अब बोलो तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि जी ये वाला छोटा वैल्यू है कि ये वाला वैल्यू है ये, अब बताओ। तो जिनके कणों का आकार 10 एंगस्ट्रम से क्या हो वो कौन है, और जिनके कणों का आकार 1000 एंगस्ट्रम से भी क्या कहलाता है,
कुल मिला के बाद धीरे धीरे समझ में आए लगल हुई कि भाई कुल आईडी बिलियन के कणों के आकार से जिसका आकार छोटा होता है वो जिसका इससे बड़ा होता है वो। तो मैं पूछूं कि किन के कणों को नग्न आंखों से देखा जा सकता है और किसके कणों को नग्न आंख की बात छोड़ो यार, नग्न आंख की बात छोड़ो यार, माइक्रोस्कोप या अल्ट्रा माइक्रोस्कोप द्वारा भी नहीं देखा जा सकता। और इनके कणों को हम लोग नग्न आंखों से नहीं देख सकते, अल्ट्रा माइक्रोस्कोप की सहायता से देखने पर ये दिखाई। तो बहु यदि अंतर लिखना पड़े तो एक अंतर ये भी हो जाएगा। अगला अंतर तो रेडी है पहले ही से कि यह एक जबकि ये तो ये क्वेश्चन अक्सर मिलते रहता है कि कोलाइडी बिलियन है, ऑप्शन ए समांगी प्रकृति का, ऑप्शन बी भी समांगी प्रकृति का, सी ए तथा बी दोनों और डी इनमें से कोई नहीं। बाबू तो आप बोल देंगे बी समांगी प्रकृति का, कंफर्म में याद रखना आप सब। चलिए अब बताओ हुआ कि जब आपको वास्तविक बिलियन निलंबन और कोलाइडी बिलियन के बारे में बात समझ में आ गई तो क्यों ना हम इस सबका एग्जाम्पल ले ले कि और स्पष्ट हो जाए। तो बबुआ आप जल में क्या करो कि चीनी को घोलो, जल में बाबू जब आप चीनी को घोलोगे तो क्या हो जाएगा विद्यार्थी, यहाँ पे एक समांगी मिश्रण बनेगा और वो समांगी मिश्रण क्या है। यदि हम सब जल में बालू को घोल देते हैं तो बताओ जल में चीनी को घोल देते हैं तो क्या चीनी के अणु आपको दिखाई देते हैं, लेकिन जल में जब बालू को घोल देते हैं तो बालू के अणु दिखाई देते हैं। इसका मतलब कि विद्यार्थी वो नेक्स्ट यहाँ देखिए, यदि हम सब जल में गोंद को घोल देते हैं, मध को घोल देते हैं तो क्या आप उसके सूक्ष्म कण अणुओं को स्पष्ट देख पाओगे, संभव नहीं है। तो विद्यार्थी ये हमारा क्या है, तो गोंद हो गया आपका, स्याही हो गया, मध हो गया, तो ये सब विद्यार्थी क्या है। अब देखिए ध्यान से सुनिएगा विद्यार्थी, कोलाइडी बिलियन समझ में आ गया, ये भी समझ में आ गया, ये भी समझ में आ गया। तो अब मैं पूछूं कि विद्यार्थी यदि हम लोग एक झिल्ली लेते हैं, झिल्ली लेते हैं जिसमें महीन छिद्र हो, तो बताओ इस झिल्ली से किसके कण आर पार कर जाएंगे, क्योंकि इसके कणों का आकार बहुत छोटा, इसलिए ये सभी प्रकार की झिल्लियों को आर पार। और बताइए चूंकि इनके कणों का आकार इसलिए साधारण छाना पत्र को भी आर पार नहीं। फिर तो विद्यार्थी जीवंत झिल्ली की बात ही अलग है, और ये है जो विद्यार्थी साधारण छाना पत्र को आर पार कर जाता है बट जीवंत झिल्ली वेट करें क्या है मैं बताऊंगा। जीवंत झिल्ली विद्यार्थी इसे ये आर पार नहीं कर पाते, साधारण छाना पत्र को आर पार कर जाते हैं। देखिए अभी हमारा टारगेट है कि इन तीनों के मध्य हम अंतर लिख सके, अभी तक उम्मीद कीजिए कि 5 अंतर रेडी हो चुका है, ध्यान दे रहे हैं आप सब। अब बताओ यहाँ पे हमने देख लिया, बोलिए क्या इनके घटकों को आसानी से पृथक किया जा सकता है, लेकिन इनके घटकों को छान करके, तो विद्यार्थी इनको नहीं किया जा सकता, ये आसानी से हो जाते हैं, इनको अलग करना कठिन काम है। डिफरेंस नेक्स्ट पॉइंट। बबुआ मैं पूछूं कि यदि हम इन्हें लंबे समय तक छोड़ देते हैं तो क्या इनके अणु नीचे गुरुत्वाकर्षण के अधीन बैठ जाते हैं, नेवर। कब शरबत घोल दिया एक घंटा दो घंटा एक दिन छोड़ दो तो क्या चीनी नीचे बैठ जाए, नहीं ना, यानी कि इसके अणु गुरुत्वाकर्षण के अधीन बैठते हैं लेकिन इन्हें छोड़ दो। ओके सर एक दिन के बाद छोड़िए ना, आधा घंटा एक घंटा में बैठ जाए, मतलब कि इनके अणु गुरुत्वाकर्षण के अधीन नीचे। और बाबू ये है कोलाइडी बिलियन, कोलाइडी बिलियन के कण जल्दी बैठते नहीं है, लेकिन जब उनका विकेंद्रीकरण किया जाता है, जैसे विद्यार्थी यदि उसको उरेल दिया जाए और उरेल के छोड़ दिया जाए तो एक जगह थका बना के बैठ जाते हैं। तो याद रखिएगा कि कोलाइडी बिलियन के कणों का जब विकेंद्रीकरण होता है तब जाकर के उसके कण गुरुत्वाकर्षण के अधीन नीचे बैठ जाते हैं। तो एक अंतर ये स्पष्ट हो गया हम लोग का, क्या मैंने बोला विद्यार्थी, तो मैंने बोला गुरुत्वाकर्षण के अधीन,
गुरुत्वाकर्षण कैसे नीचे की तरफ बैठना। ओके नेक्स्ट पॉइंट ध्यान देना विद्यार्थी लो, क्या है यह विद्यार्थी ध्यान देना, यहाँ पे मैंने एक पात्र लिया, इस पात्र में हमने एक कोलाइडी बिलियन ले लिया। कौन सा बिलियन? कोलाइडी बिलियन। बाबू आपको पता है कि कोलाइडी बिलियन के कण नग्न आंखों से दिखाई नहीं देते, इनको देखने के लिए हम लोग को अल्ट्रा माइक्रोस्कोप की आवश्यकता पड़ती है। ये जो अति सूक्ष्मदर्शी है उसकी सहायता से जब हम इसे देखते हैं तो पता चलता है कि इसके कण जिग जैग मोशन करते रहते हैं। जिग जैग टेढ़ी मेढ़ी, टेढ़ी मेढ़ी नहीं, टेढ़ी मेढ़ी, यस। तो ये जिग जैग मोशन करते हैं, ये कब पता चला? जब अल्ट्रा माइक्रोस्कोप से देखा गया। बाबू इसे रॉबर्ट ब्राउन नामक वैज्ञानिक ने देखा था, रॉबर्ट ब्राउन। इसलिए विद्यार्थी कोलाइडी बिलियन के कणों की यह गति ब्राउनी गति कहलाएगी। कौन गति? जिसे आप ब्राउनियन गति भी कह देते हो। क्या कह देते हो? ब्राउनियन गति। याद रहेगा, ध्यान रखिएगा मैंने क्या बताया इसमें। मैंने बताया बुआ यहाँ पे ध्यान देना क्या है यह, बोला ध्यान सुनिएगा। कोई पूछे कि ब्राउनियन गति क्या है या ब्राउनी गति क्या है, तो हम सब बोलेंगे कि कोलाइडी बिलियन के कण सदैव जिग जैग मोशन एंड टेढ़ी मेढ़ी गति करते हैं। यह रॉबर्ट ब्राउन नामक वैज्ञानिक द्वारा बताया गया, इसलिए उसके सम्मान में इस घटना का नाम। अब यदि दो नंबर के चाहे एक नंबर का प्रश्न होगा तो इतना लिखे थोड़े जाए सीधा, कोलाइडी बिलियन द्वारा प्रदर्शित जिग जैग गति ब्राउनियन गति का लगती, जिग मतलब टेढ़ी बड़ी। ओके तो बगो जिग जैग मोशन। ओके ये जो जिग जैग मोशन टेढ़ी मेढ़ी गति करते हैं ये क्या कहलाते हैं बाबू? ब्राउनियन। अब देखिए ये वास्तविक बिलियन के कण ब्राउनियन गति प्रदर्शित, कोलाइडी बिलियन के कण ब्राउनियन गति प्रदर्शित, उन्हीं का तो स्वभाव है। ये चूंकि दोनों भी समांगी प्रकृति के हैं तो थोड़ा सा नेचर इसके अंदर भी होगा, यानी इसमें इसे कम प्रेक्षित किया गया, अल्प प्रेक्षित किया गया, न्यूनतम प्रेक्षित किया गया, ऑब्जर्व किया गया। मरते प्रेक्षित माने ऑब्जर्व, यानी इसमें ब्राउनियन गति नहीं पाया जाता है, इसमें ब्राउनियन गति बहुत कम पाया जाता है, इसमें ब्राउनियन गति पाया जाता है। उम्मीद करता हूं कि क्लियर हो गया है। गुड विद्यार्थी अब देखिए ध्यान से, ये कोलाइडी बिलियन है। कोलाइडी बिलियन पे जब विद्यार्थी प्रकाश को आपतित कराया जाता है तो इस कोलाइडी बिलियन के अंदर प्रकाश का पथ दृश्यमान रहता है, यानी उसके अंदर उसका रास्ता दिखाई देता है, भाई कैसे जा रहे हो, उसका पथ दृश्यमान रहता है। आखिर उसके अंदर प्रकाश का पथ दृश्यमान क्यों हुआ? तो ये बात विद्यार्थी टिंडल नामक वैज्ञानिक, वैसे इनसे पहले जिग मांडी बताया था बट उनका नाम कम आता है, का है क्लियर इतिहास जगह पावे करने की, जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछी, अभी टॉप लेवल पढ़ाई ना बोर्ड लेवल पढ़ाई, एग्जाम में क्वेश्चन बन जाए के चाहे दैट्स ऑल ना बाबू, बाकी सब क्लास ऑफ फैली। देखिए ध्यान से, तो बाबू टिंडल नामक वैज्ञानिक ने बताया कि किसी कोलाइडी बिलियन के अंदर जब प्रकाश को आपतित कराया जाता है तो उसके अंदर उसका पथ दृश्यमान रहता है। क्या रहता बाबू? दृश्यमान रहता है। जब इस घटना का पता लगाने का प्रयास किए कि जी आखिर ऐसा क्यों होता है, तो पता चला कि जी प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण होता है। किसके कारण? यस, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। ठीक है बाबू, तो देखिए ध्यान से, कोलाइडी बिलियन के अंदर प्रकाश का पथ दृश्यमान होता है किस घटना के कारण? यानी कि कोलाइडी बिलियन के कण प्रकाश को क्या कर देते हैं? तो प्रकाश के प्रकीर्णन की घटना प्रदर्शित करते हैं। ये बात किसने बताया? इस कारण से इस घटना का नाम टिंडल क्या पड़ा? तो पूछा जाए कि टिंडल प्रभाव कौन प्रदर्शित करते हैं? पूछा जाओ कि बाबू एक लाइन में टिंडल प्रभाव की परिभाषा बोलो, तो सीधा बोलेंगे हम लोग कि कोलाइडी बिलियन द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन की घटना टिंडल प्रभाव कहलाती है। हो गया काम?
दो लाइन में दो नंबर में होई तो इतिहास आगे पीछे का बंद बढ़िया से रच दिया लोग भाई लोग हो जाएगा काम। मैंने हम सटीक शब्दों में बताना चाहे कि ऑब्जेक्टिव मिले आपको तो आप बता सकते हैं। ये भी पूछ सकता है क्वेश्चन कि जी टिंडल प्रभाव में कौन सी प्रकाशीय घटना होती है, प्रकाश की प्रकीर्णन। तो कोलाइडी विलयन द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन की जो घटना प्रदर्शित की जाती है वो क्या कहलाता है? तो बाबू बादल जो है कोलाइडी विलयन का एग्जांपल है, और बादल द्वारा प्रकाश का प्रकीर्णन होता है जिसके कारण से वायुमंडल नीला दिखाई देता है, यानी कि वहाँ भी विद्यार्थी कौन सा प्रभाव है? तो कहीं ऑब्जेक्टिव में ऐसे डाल दे कि जी आसमान का नीला दिखाई देने की घटना है, और प्रकाश के प्रकीर्णन न लिखे टिंडल प्रभाव लिख लो तो छोड़ दो बोलो। समझ में आएगा चाहिए कि बादल एक कोलाइडी विलयन है, उसके द्वारा प्रकाश का प्रकीर्णन होगा तो वह कौन सा प्रभाव है बबुआ? टिंडल प्रभाव है। उम्मीद करता हूँ कि समझ में आ गया। तो टिंडल प्रभाव किसका गुण है? तो इसके अंदर यह गुण बहुत है। इसके अंदर यह गुण नहीं पाया जाता है। तो उम्मीद करता हूँ एक और पॉइंट हम लोग का क्लियर हो रहा है। कहोगे चलो अच्छी बात है। आइए हमने क्या बताया आपको कि यह जो विलयन है उनको कितने प्रकार से बताया गया? तीन। कणों के आकार के आधार पर। अब बताइए थोड़ा ध्यान से देख करके कि बबुआ थोड़ा ध्यान दीजिएगा, बबुआ एक स्पेशल टेक्निकल पॉइंट पे चर्चा करने वाले हैं, ध्यान देना। यह जल में जब आप चीनी को घोल रहे हो तो शुरू में बाबू चीनी का आकार बड़ा रहता है, जब ये चीनी का आकार बड़ा रहता है तो शुरू में आपको दिखाई देता है कि नहीं दिखाई देता है? नग्न आंखों से दिखाई दे रहा है तो उस स्थिति में वो कौन सा एक्सिस पार कर रहा है? चूंकि हमें नग्न आंखों से दिखाई दिया यानी उसके कणों का आकार क्या था? बड़ा। स्पष्ट हो गया। चलिए जब विद्यार्थी इसके कणों का आकार धीरे धीरे घटना शुरू हुआ तो एक समय आएगा जब उसका आकार इस रेंज में होगा, बोलो तो वह उसका एक अवस्था होगा ना। इसलिए विद्यार्थी कोलाइडी विलयन को विलयन नहीं बिलियन की एक क्या कहा जाता है, यानी कि शुरुआत में निलंबन से वास्तविक बिलियन की तरफ जाते वक्त बीच में एक स्थिति क्या आती है? ये वाला रेंज, और वही कोलाइडी बिलियन कहा जाता है। तो याद रखिएगा कोलाइडी बिलियन को और क्या कहते हैं? कोलाइडी अवस्था भी बोलते हैं, ठीक ना। कई कई ऐसा मिलता है कि कोलाइडी बिलियन नहीं, कोलाइडी बिलियन एक बिलियन नहीं बिलियन की क्या है? अवस्था है, ठीक न। चलिए अब हम लोग आ रहे हैं कि कणों के आकार के आधार पे विलयन को कितने प्रकार से बांटा गया? वास्तविक विलयन, निलंबन, ओके। वास्तविक विलयन क्या है बबुआ? हमने बता दिया कि वे सभी विलयन जिनके कणों का आकार बहुत छोटा, जैसे 10 एंगस्ट्रम से भी छोटा होता है वास्तविक विलयन कहलाता है। यह एक समांगी मिश्रण है। इनके कणों का आकार बहुत छोटा होने के कारण ये न तो नग्न आंखों से नहीं माइक्रोस्कोप की सहायता से देखा जा सकता है, तथा ये सभी प्रकार के छाना पत्र को आसानी से पार पार कर जाता है, ओके। चलिए इतना बात के बाद मैंने बताया था आप लोगों को कि जी ये गुरुत्वाकर्षण के अधीन नीचे की तरफ नहीं बैठते, इसमें टिंडल प्रभाव और ब्राउनियन गति जैसी घटनाएं प्रदर्शित और ये अपारदर्शी होती हैं, पारदर्शी और अपारदर्शी देखने वाली हो गया ना। चलो यहाँ देखिए निलंबन, तो विद्यार्थी वे सभी विलयन जिनके कणों का आकार गोष्ट में लिख सकते हैं 1000 एंगस्ट्रम, ठीक है। वो 1000 एंगस्ट्रम होता है क्या कहलाता है? निलंबन कहलाता है। भैया वह कहीं 1000 के 10000 लिख लो तो घबराइए समत मर दे। हम बार बार कहते नहीं कि छोटा सा रेंज ऑप्शन के अनुसार उसको क्लियर कर लेना बात। हाँ चलिए तो विद्यार्थी यहाँ निलंबन के बारे में देख लीजिए, कणों का आकार बड़ा है इसलिए वो विद्यार्थी साधारण छाना पत्र को भी आर पर हमें नग्न आंखों से दिखाई देते हैं, ओके। ये एक विषमांगी मिश्रण है, साथ ही साथ इसमें इसमें टिंडल प्रभाव और ब्राउनियन गति अल्प प्रेक्षित किया जाता है यानी बहुत कम पाया जाता है। साथ ही साथ बाबू मैंने क्या बता दिया इसके अंदर किसे गुरुत्वाकर्षण के अधीन छोड़ने पर वो नीचे की तरफ बैठ जाते हैं, जबकि यह और यह सिर्फ विकेंद्रीकरण करने पर बैठते हैं। हमें ज्यादा इसी के बारे में जानना है,
इसलिए ज्यादा मैंने इसी के पॉइंट को लेकर के इनके मध्य अंतर दिखाया। आ जाइए, वे सभी विलयन जिनके कणों का कारण वास्तविक विलयन के कणों से बड़ा तथा निलंबन के कणों से क्या कहलाता है? क्लोराइडी विलयन विलयन नहीं है, विलयन की एक। इनके कणों के आकार का प्रास 1 नैनोमीटर से 100 नैनोमीटर के मध्य में होता है। ठीक है बाबू, कहीं कहीं 1000 नैनोमीटर लिखो तो कोई दिक्कत बा? 10^7 कोई दिक्कत? नेक्स्ट इसका एग्जाम्पल कबल सर, एग्जाम्पल ढेर हो गए, एग्जाम्पल ढेर हो गया, दूध दही पनीर बादल ओस कुहासा आपका जिलेटिन एल्बुमिन्स जितना एंजाइम है सभी एंजाइम का जो द्रवित अवस्था होता है या जलीय विलयन होता है सब किसके एग्जाम्पल है? क्लोराइड विलयन के एग्जाम्पल है। तेल में जल को मिला दो, जल और तेल को मिला दो, वो भी क्या बनेगा? यस, क्लोराइड विलयन किस प्रकृति का होता है? जिसवांगी प्रकृति का होता है। इसके कणों का आकार छोटा होने के कारण हमें नग्न आंखों से दिखाई इसको देखने के लिए अल्ट्रा माइक्रोस्कोप की आवश्यकता पड़ती है। गुड, इसमें बोल सकते हैं कि जी ये साधारण छाना पत्र को आसानी से आर पार कर जा सकते लेकिन जीवंत झीली को पार नहीं कर पाते। साथ ही साथ विद्यार्थी से मैंने बता दिया है कि ये टिंडल प्रभाव इतना जातीय गुने है ना हो लगे बाबा होती जी। मतलब ये टिंडल प्रभाव और ब्राउनियन गति प्रदर्शित, हाँ, इन्हें लंबे समय तक छोड़ने पर गुरुत्वाकर्षण के अधीन तब तक नहीं बैठते जब तक इनका यानी केवल विकेंद्रीकरण करने पर ही बैठते, वरना हमेशा खड़ा है ना भाई लोग। तो चलिए ये रहा हम लोग का सिंपल परिचय क्लोराइडी विलयन निलंबन और किसके बारे में लेकर के वास्तविक विलयन। कितना देखा हुआ? 26 मिनट 58 सेकेंड लंबा हो गया। ए बाबू चलिए थोड़ा सा मुझे एक बात और बता दीजिए, आप बताओ बाबू मुझे कि टिंडल प्रभाव और ब्राउनियन गति समझ में आया? क्लोराइडी विलयन के कण जो टेढ़ी मेढ़ी गति करते हैं यह गति क्या कहलाती है? ब्राउनियन गति कहलाती है, ब्राउनियन गति कहलाती है। अब हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे टिंडल प्रभाव के बारे में भी जान चुके हैं कि क्लोराइडी विलयन के कणों द्वारा प्रकाश के परिणाम किरण की घटना प्रदर्शित की जाती है जो क्या कहलाता है बाबू? टिंडल प्रभाव कहलाता है। ओके बाबू, आप सब विलयन में पढ़ चुके हो कि जो विलयन होता है उसके दो घटक होते हैं, विलेय और तो विद्यार्थी जब क्लोराइडी विलयन की हम बात करेंगे तो इसके भी कितने घटक? दो घटक। ध्यान दीजिएगा लो, क्लोराइडी विलयन के भी कितने घटक? दो घटक। एक को बोलते हैं विद्यार्थी परिक्षेपित प्रवस्था और दूसरा होता है वो परिक्षेपण माध्यम। ध्यान दिए, परिक्षेपित प्रवस्था और परिक्षेपण, ये क्या है विद्यार्थी? क्लोराइडी विलयन के दो। जिस प्रकार आप विलय का परिभाषा बोलते थे विलयन में कि विलयन में अल्प मात्रा में उपस्थित घटक, उसी तरीके से क्लोराइडी विलयन में अल्प मात्रा में उपस्थित घटक परिक्षेपित प्रवस्था डिस्पर्सन फेज और डिस्पर्सन मीडियम। बबुआ ध्यान दीजिएगा, और जो देखिए बाबू विलय का परिभाषा, विलयन में जो अधिक मात्रा में घटक उपस्थित रहता है वो यहाँ भी बोल देंगे कि क्लोराइडी विलयन में अधिक मात्रा में उपस्थित घटक हो गया। तो बाबू जो विलय है विलय के समान कौन है और विलय के समान कौन है? ये भी ठोस द्रव गैस हो सकता है, ये भी ठोस द्रव गैस। तो ये विद्यार्थी रहा क्लोराइडी विलयन के दो घटक। क्लोराइडी विलयन के दो घटक कौन कौन से है? परिक्षेपण माध्यम और परिक्षेपित प्रवस्था। ओके, उम्मीद करता हूँ कि ये पॉइंट क्लियर। अब हम लोग जानेंगे क्लोराइडी विलयन के प्रकार के बारे में। बाबू इस वीडियो को पहले ध्यान से पूरा देखिएगा लो, उसके बाद इसको आराम आराम से लिखिएगा लो, पहले उसके डिफाइन करने का तैयार कर लिख लो, उसके बाद वास्तविक विलयन निलंबन और क्लोराइडर के मध्य अंतर लिखिएगा लो। तो थोड़ा ध्यान रखिएगा लो,
अंतर लिखते वक्त पहले वास्तविक विलय, सबसे अंतिम में निलंबन ध्यान देना है और बीच में कोलाइडी विलय तो मजा आएगा। ऐसे लिखोगे लो तब सबसे पहले उसका परिभाषा लिखोगे लो, उसको उसकी प्रकृति लिखोगे लो, समांगी विषमांगी विषमांगी, फिर उनके कणों का आकार लिखोगे लो खूब आराम से। जब कणों का आकार लिख लोगे तो फिर लिखोगे लो क्या कि ये सही प्रकार की झिल्ली को आर पार कर जाता है, ये किसी को पार नहीं कर, साधारण छाना पत्र को भी आर पार, और ये साधारण छाना पत्र को आर पार कर जाता है जीवन झिल्ली को पार। फिर विद्यार्थी यहाँ पे लिखोगे उल्टा उल्टा बोलते सही या हमें लगा उधर लिखे उसको बीच में है बाबू। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ देखिएगा ध्यान से, इसके कणों को नग्न आंखों से नग्न आंख या सूक्ष्मदर्शी की सहायता से भी, इसके कणों को नग्न आंखों से देखा जा, इसके कणों को नग्न आंखों से देख सकते अल्ट्रा माइक्रोस्कोप की सहायता से। फिर विद्यार्थी अगला पॉइंट आप लिख सकते हो कि इसे लंबे समय तक छोड़ने पर भी ये गुरुत्वाकर्षण के दिन बैठते हैं, जबकि ये गुरुत्वाकर्षण के दिन बैठ जाते हैं या केवल विकेंद्रीकरण के पश्चात बैठते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या होगा विद्यार्थी, तो ये टिंडल प्रभाव की घटना, जबकि ये और ये भी, फिर ब्राउनियन गति वाली बात आ जाएगी, काम हो जाएगा, कोई दिक्कत है तो विद्यार्थी हम लोग खूब आराम से इसके मध्य अंतर लिख सकते हैं। अब वीडियो ज्यादा लंबा हो जाएगा, ओके बहादुर इस वीडियो में इतना ही, जय हिंद।